हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी वो भी प्रेस कर दो ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो यार आमिर खान का बर्थडे था दोस्तों, और उस दिन उन्होंने सभी मीडिया वाले को बुलाया था, साथ में केक काटा उन्होंने, और उनकी जो मूवी आई है उनके होम प्रोडक्शन से लापता लेडीज़, उनके जितने भी स्टार कास्ट, डायरेक्टर किरण राव, उनकी वाइफ बोले तो एक्स वाइफ, वो भी मौजूद थी वहाँ पे। तो सबके सामने उन्होंने केक वगैरह काटा मस्त तरीके से, मैं भी मौजूद था वहाँ पे दोस्तों, और मैंने केक भी खाया भाई। आमिर खान ने जो केक काटा था वो मैंने भी खाया दोस्तों। उसके बाद फिर ख़त्म हो गया सारा कार्यक्रम, उसके बाद फिर वो बैठ गए सारे स्टार कास्ट के साथ, और मीडिया भी चारों तरफ से ऐसे घेर के बैठ गई। फिर चर्चा स्टार्ट हुआ, चाय पर चर्चा जो बोलते हैं ना, चाय पर चर्चा स्टार्ट हुआ। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे आंसर दिए उन्होंने, लेकिन वहीं पे एक मीडिया वाले ने सलमान खान शाहरुख खान को लेके भी क्वेश्चन मार दिया कि आप लोगों साथ में कब काम कर रहे हो, जैसे कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये तीन खान कब दिखेंगे, क्योंकि ये अंबानी की बेटे की शादी में ऑलरेडी जामनगर में तीनों एक साथ डांस करते दिखे गए थे। तो जो एक्साइटमेंट थी तीनों खान के फैंस के बीच वो बढ़ गया, बोले यार ये तीन खान अगर साथ आ गए तो सोचो बॉक्स ऑफिस पे क्या होने वाला। तो आमिर खान ने आंसर दिया दोस्तों कि यार मैं ना मूवी करना चाहता हूँ, हम लोग तीनों मिलके एक साथ बैठ के बात भी किए हैं कि यार हम लोग के जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि हम लोग तीनों साथ में काम करें। तो वो बोले कि हम लोगों को एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश है जो कि हम लोगों को पसंद आनी चाहिए तीनों जन को, तब जाके हम लोग उस मूवी को बारे में सोचेंगे और करेंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग साथ में ज़रूर काम करें, और आप लोगों का जो सपना है तीनों को साथ देखने का वो ज़रूर पूरा होएगा। टेंशन मत लो, हम लोगों को इंडस्ट्री से संन्यास लेने से पहले आप लोगों को तीन खान साथ में दिख जाएंगे। और वहीं पे एक सवाल और भी मार दिया, क्वेश्चन मार दिया उनके मुंह पे एक मीडिया वाले ने कि यार अंदाज अपना अपना टू को लेके भी उन्होंने बहुत बड़ी अपडेट दे दी है। हालांकि आपको बता दूं कि वहाँ पे शूट करने का अलाउड नहीं था, जो पीआर टीम थी उन्होंने कहा था कि शूट मत करना, या वॉइस रिकॉर्ड होता ना वो भी अलाउड नहीं था दोस्तों। बहुत सारे लोग वहाँ पे कर रहे थे तो उनको मना कर दिया गया, या जिन्होंने कर दिया था तो उनसे डिलीट करवा दिया गया दोस्तों। तो अंदाज अपना अपना टू के बारे में भी उन्होंने कहा था, आपको पता ही है राजकुमार संतोषी के साथ वो मूवी कर रहे लाहौर, जो सनी देओल लीड एक्टर में दिखने वाले, उन्होंने बोला कि अंदाज अपना अपना टू पे भी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं हमारे राजकुमार संतोषी, हो सकता है कि उस पर भी काम चालू हो। और सलमान भाई की सिर्फ हाँ की कमी है, सिर्फ वह एक बार यस बोल दें फिर मूवी ज़रूर बनेगी। तो यार ये बहुत बड़ी अपडेट दो जो आमिर खान ने दिया था, हालांकि ये अपडेट हमको उसी दिन बनानी चाहिए थी लेकिन मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। तो आज मैंने एक अखबार न्यूज में ये खबर देखी तो मैं बोला अब तो बनाऊंगा, क्योंकि देखो यार वो जो न्यूज़ था ना लीक नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि जिन्होंने वहाँ पे जो मौजूद थे वहाँ पे, उनके ट्विटर हैंडल हो या उनका जो सोशल मीडिया हैंडल हो, मैंने चेक किया था यार किसी ने भी वो रिवील नहीं किया था वो स्टोरी को, उस अपडेट को जिन्होंने आमिर खान कहा था। तो मैं बोला यार ये पेपर में छप गया है तो अब तो यार इस पर वीडियो बना सकते हैं ना भाई। तो यार मैंने सोचा कि अब तो वीडियो बना के आप लोगों को न्यूज़ देना तो पड़ेगा दोस्तों। तो यार ये है न्यूज़ जो कि तीनों खान करने वाले हैं मूवी, और अंदाज अपना अपना टू भी बनने वाला है दोस्तों। तो यार बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।